कक्षा दसवीं विषय गणित इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब ध्यान से इस आकृति को देखें तो ए बिंदु के निर्देशांक हम पाते हैं कि क्या है। ए बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है, इसमें ध्यान से देखिए, हम यहाँ से देखते हुए लिख रहे हैं। माना ए बिंदु के निर्देशांक यहाँ 3 और ये 4, ए बिंदु के निर्देशांक है 3, 4। ठीक, ऐसे ही यदि बी बिंदु को ध्यान से देखें तो बी बिंदु किसकी 6 की सीधे में आ रहा है इधर, और इधर 7 की सीधे में आ रहा है। क्या बी बिंदु के निर्देशांक 6, 7। फिर पुनः देखिए सी बिंदु कहाँ आ रहा है, तो सी बिंदु को ध्यान से देखें तो इधर ये 9 की सीध में है, इधर 4 की सीध में है। मतलब सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या आएंगे, 9, 4। फिर हम इसमें डी बिंदु को ध्यान से देखने का प्रयास करें तो डी बिंदु हमारे पास एक्स अक्ष के सापेक्ष 6 और वाई अक्ष के सापेक्ष 1 पर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी के जो निर्देशांक है वो क्या आ गए, डी बिंदु के निर्देशांक थे 6 और 1। अब इन 4 बिंदुओं पर मित्र बैठे हैं। अब हमको ये बतलाना है कि क्या ये वर्गाकार आकृति बनाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की दूरी। ए बी की दूरी निकालना मतलब ए दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र, x1 - x2 पूरे की घात 2 धन y1 - y2 पूरे की घात 2। इस सूत्र का हम सहारा लेंगे तो मान क्या आएगा, देखिए हमारे पास बिंदुओं को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। 3 - 6 की बजाय अगर 6 - 3 या 7 - 4 भी लिखा तो उत्तर में कोई विशेष अंतर नहीं आता, क्योंकि घात कैसी है, 2 है। किसी भी ऋणात्मक पद की भी घात 2 हो जाए तो धन में बदल जाएगा, इसलिए इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 - 6 पूरे की घात 2 धन क्या 4 - 7 पूरे की घात 2। जब हम इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 - 7 जाएंगे यहाँ भी 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 * 9 9 और 9 कितना हो गया, 18। मतलब इसकी माप हो गई 3 * 2 के बराबर। किसकी, ए बी की माप। अब हम निकालेंगे किसको, बी सी को निकालेंगे। बी सी की दूरी को ज्ञात करना मतलब बी बिंदु और ये सी बिंदु, 6 - 9 पूरे की घात 2 धन 7 - 4 पूरे की घात 2। इसका मतलब 6 - 3 = 9, मतलब 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग हो जाएगा और ये भी 3 का वर्ग। 3 * 9 9 और 9 18। और इसका भी हल देखेंगे तो ये कितना आएगा, इसका भी हल आएगा हमारे पास कितना, 3 * 2 = 1। आगे देखिए इसी प्रकार हम सी डी निकालेंगे। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। तो सी डी निकालना मतलब 9 - 6 को घटाएंगे पूरे की घात 2 धन डी के निर्देशांक, और ये अपने पास क्या 4 - 1 को घटाएंगे पूरे की घात 2 बराबरी से। इसको ध्यान से देखिए क्या, 3 का वर्ग डायरेक्ट लिख दे 9, 3 का वर्ग ये भी डायरेक्ट लिख दे 9, 9 और 9 18। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको भी हम लिख सकते क्या, 3 * 2 = 1। अब ध्यान से देखिए
ये सी डी निकाल लिए, इसी प्रकार से अब हम ए डी को निकालेंगे। ए डी को निकालने के लिए ए और डी के निर्देशांकों को ध्यान से समझे। ए यानी तीन, तीन ऋण छः पूरे की घात दो, धन हमारे पास ये क्या है चार, चार में से डी के निर्देशांक एक को घटाएंगे, चार ऋण एक पूरे की घात दो बराबरी से क्या, तीन ऋण छः नौ, चार ऋण एक तीन, तीन का वर्ग नौ, करणी अठारह, और इसका भी हल देखे तो कितना आएगा तीन करणी दो इकाई। ध्यान से समझे तो चारों भुजा तो बराबर आ गए, पर चारों भुजा के बराबर आने से कोई वर्ग नहीं होता, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती। अब हमको इसमें सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके विकर्णों की लंबाई भी बराबर है। तो विकर्ण मतलब एसी की लंबाई, विकर्ण मतलब एसी की लंबाई, विकर्ण मतलब एसी की लंबाई। ए के निर्देशांक तीन चार, सी के निर्देशांक नौ चार, मतलब क्या तीन में से इस नौ को घटाएंगे पूरे की घात दो, और चार में से किसको चार को घटाएंगे, तो चार में से चार को घटाएंगे तो शून्य। तो ध्यान से देखिए तीन ऋण नौ, ऋण छः का वर्ग कितना छत्तीस, और छत्तीस का वर्गमूल कितना छः इकाई। जैसे हमने AC को निकाला है बिल्कुल ठीक वैसे ही BD को निकालेंगे, क्योंकि जब तक AC और BD इक्वल नहीं आएंगे तब तक हम इसको वर्ग प्रूफ नहीं कर सकते। क्या छः में से छः को घटाएंगे, छः ऋण छः, क्योंकि इसका x1 छः, इसका x2 छः, सात में से एक को घटाएंगे। अब ध्यान से देखिए छः में से छः घटेगा शून्य, लेकिन सात में से एक घटेगा तो छः, और छः का वर्ग हो जाएगा छत्तीस, तो बराबरी से ये भी क्या आ गया छः इकाई। क्या पाते हैं कि ए बी भुजा की माप तीन करनी दो, बी सी की माप तीन करनी दो, सी डी की माप तीन करनी दो इकाई, ए डी की माप भी तीन करनी दो, मतलब चारों भुजा भी बराबर और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि ए बी भुजा बी सी के बराबर है, बी सी भुजा सी डी के बराबर है, सी डी भुजा ए डी के बराबर है, और इन सब की माप तीन करनी दो इकाई है। इतना होता तो ये समचतुर्भुज था, लेकिन विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ए सी और बी डी बराबर है, और वो किसके बराबर है छः इकाई। तो हम क्या लिख सकते, अतः हम लिख सकते हैं ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, अर्थात किसका कथन सही था, इसलिए किसका चंपा का कथन सत्य था कि एक वर्गाकार आकृति पर बैठे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।